एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अमरदीप कुमार और आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स बाय स्टडी नेक्स्ट। आज हम इस वीडियो में 15 जुलाई 2020 की करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। देखते हैं आज की कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। वीडियो को शुरुआत करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। वैश्विक महामारी कोविड-19 की वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल पूरा करने वाला पहला देश निम्न में से कौन बन गया है। हमारे ऑप्शन है US, चाइना, जर्मनी, रशिया। इसका सही आंसर है रशिया। आइए थोड़ा रशिया के बारे में जानते हैं। रशिया की राजधानी है मॉस्को, ऑफिशियल लैंग्वेज है और नेशनल लैंग्वेज है रशियन। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर मिखाइल मिशुतिन है, करेंसी है रशियन रूबल। रशिया के प्रेसिडेंट कौन है ये आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। ये रहा पूरे वर्ल्ड में रशिया का मैप कहाँ पर एग्जिस्ट करता है। आइए इसके बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं। रूस के सेचनोवा विश्वविद्यालय का दावा है उसने कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन तैयार कर लिया है। इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसलेशन मेडिसिन एंड बायोटेक्नोलॉजी के निदेशक वदिम तारासोव के अनुसार सेचनोवा विश्वविद्यालय ने कोरोना वायरस के खिलाफ दुनिया के पहले टीके के स्वयंसेवकों पर सफलतापूर्वक परीक्षण पूरे कर लिए हैं। स्वयंसेवक का मतलब है यहाँ वॉलंटियर्स। सेचनोवा यूनिवर्सिटी में इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल पैरासिटोलॉजी ट्रॉपिकल एंड वेक्टर बॉर्न डिजीज के निदेशक अलेक्जेंडर लुकासेव के अनुसार सुरक्षा के लिहाज से वैक्सीन के सभी पहलुओं की जांच कर ली गई है। उन्होंने कहा कि लोगों की सुरक्षा के लिए यह जल्द बाजार में उपलब्ध होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जनसंख्या दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। हमारे ऑप्शन है 10 जून, 15 मार्च, 12 जनवरी, 11 जुलाई। इसका सही आंसर है 11 जुलाई। इसका उद्देश्य बढ़ती जनसंख्या को रोकने तथा लोगों को जागरूक करना होता है। महिलाओं और लड़कियों के स्वास्थ्य और अधिकारों की रक्षा कैसे करें महामारी के बीच इस वर्ष के विश्व जनसंख्या दिवस का थीम है। विश्व जनसंख्या दिवस को पहली बार 11 जुलाई 1990 को 90 से अधिक देशों को चिन्हित किया गया है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। किस राज्य में हाल ही में भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत का शुरुआत हुई। हमारे ऑप्शन है पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड। इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के राजधानी है रायपुर। इसका फॉर्मेशन यानी स्थापित हुआ है 1 नवंबर 2000 को। यहाँ टोटल कुल 28 डिस्ट्रिक्ट हैं। गवर्नर है अनसुईया उइके, चीफ मिनिस्टर है भूपेश बघेल और राज्यसभा के 5 सीटें हैं, लोकसभा की 11 सीटें हैं। ये रहा मैप में छत्तीसगढ़ का लोकेशन। आइए इसके बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत की शुरुआत हो गई है। ई लोक अदालत उच्च न्यायालय के साथ सभी जिलों न्यायालय और तहसील न्यायालयों में भी आयोजित की जा रही है। यह देश के न्यायिक इतिहास में पहली बार हो रहा है जब लोक अदालत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होंगे जिसमें पक्षकार और वकील को न्यायालय आने की जरूरत नहीं होगी। इससे पहले आप जाने बिलासपुर के बारे में। बिलासपुर इंडिया का थर्ड क्लीनेस्ट सिटी है और चौथे लॉन्गेस्ट रेलवे स्टेशन बिलासपुर में है। बिलासपुर में खुशबूदार चावल के प्रजाति मिले जाते हैं जिसे दोबराज राइस कहा जाता है। बिलासपुर साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड का हेडक्वार्टर भी है। यहाँ NTPC सीपेट बहुत नजदीक है। यहाँ कोसा सिल्क साड़ी बहुत ही फेमस है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य के नादौन पुलिस थाने को देश और राज्य के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने को दर्जा दिया गया। हमारे ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। इसका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। हिमाचल प्रदेश की दो कैपिटल है यानी राजधानी है शिमला और धर्मशाला। यहाँ कुल 12 डिस्ट्रिक्ट हैं। यहाँ के गवर्नर है दत्तात्रेया, चीफ मिनिस्टर है जयराम ठाकुर। यहाँ टोटल राज्यसभा की 3 सीटें हैं, लोकसभा की 4 सीटें हैं। यह वेस्टर्न हिमालय में सिचुएटेड है। यहाँ यमुना, घाघर, ब्यास, सतलज, चेनाब नदियां इस राज्य से होकर गुजरती हैं। यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध भाखड़ा डैम भी जो सतलज नदी के किनारे है बिलासपुर में ही है। यह पोंग डैम ब्यास नदी के बीच में है। चमेरा डैम रावी नदी के बीच में है। नाटी यहाँ के लोकल डांस है वो हिमाचल प्रदेश के फेमस डांस है। आइए विस्तृत जानकारी लेते हैं। हिमाचल के हमीरपुर जिले के नादौन पुलिस थाने को देश के श्रेष्ठ पुलिस थानों में स्थान मिला है। गृह मंत्रालय ने विभिन्न मानकों पर देश भर के थानों को रैंकिंग की है जिसमें नादौन थाने के हिमाचल का सर्वश्रेष्ठ थाना घोषित किया गया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से इस पुलिस थाने को उत्कृष्ट प्रमाण पत्र दिया गया है। उन्होंने कहा कि पुलिस थानों की रैंकिंग भारत सरकार के गृह मंत्रालय की ओर से की जाती है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत चीन सीमा विवाद के बीच भारतीय सेना ने किस देश से 72,000 SIG-716 असॉल्ट राइफल खरीदने जा रही है। हमारे ऑप्शन है रूस, अमेरिका, जापान, जर्मनी। इसका सही आंसर है अमेरिका। ये रही पिक्चर SIG असॉल्ट राइफल के, काफी हाईटेक असॉल्ट राइफल है ये। आइए इसके बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं। भारतीय सेना अमेरिका से 72,000 SIG-716 असॉल्ट राइफल खरीदने जा रही है।
सेना के नॉर्दर्न कमांड और दूसरे ऑपरेशन इलाकों में तैनात सैनिकों की अमेरिका से 72,000 राइफल पहले ही मिल चुकी है। नए हथियारों के खरीद फास्ट ट्रैक परचेजेस FTP के तहत की जा रही है। हथियार बनाने वाली अमेरिकी कंपनी सिग सायर से भारतीय सेना को यह राइफल मिलेंगे। यह नाम याद रखिएगा, अमेरिका की कंपनी सिग सायर, ये काफी महत्वपूर्ण कंपनी है जो सप्लाई करती है हथियार। SIG-716 असल राइफलों को अमेरिका में बनाया जाएगा। SIG-716 असल राइफल क्लोज और लॉन्ग कॉम्बैट की नई तकनीकों से लैस है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश ने सबसे बड़े कैमरा ट्रैप वन्य जीव सर्वेक्षण हेतु गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में स्थान हासिल किया है? इसका सही आंसर है भारत। आइए, ये वन्य जीव सर्वेक्षण टाइगर यानी बाघों के लिए किया गया है। आइए जानते हैं भारत में टाइगर रिजर्व के बारे में। भारत में कुल 50 टाइगर रिजर्व है जो कि प्रोजेक्ट टाइगर के तहत काम कर रहे हैं, जिसका एडमिनिस्ट्रेशन नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के हाथों में है। इंडिया में करीब 75% वर्ल्ड के टाइगर अभी हैं। 2018 के अनुसार भारत में कुल 2,967 टाइगर अवेलेबल हैं। कॉर्बेट, बंदीपुर और काजीरंगा, ये तीन नेशनल पार्क भारत के सबसे बड़े नेशनल पार्क हैं, जिसमें ये टाइगर रिजर्व भी है। कॉर्बेट 1973 से 74 के बीच में बना था, जो उत्तराखंड में है। यहाँ पर कुल टोटल बाघों की आबादी 215 है। बांदीपुर में जो कर्नाटक में है, ये भी 1973 से 74 के बीच में बना था, यहाँ कुल बाघों की आबादी कुल 120 है। काजीरंगा जो 2008 और 9 के बीच में बना था, यह आसाम में है, यहाँ कुल बाघों की आबादी। आइए इसके बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं। भारत की 2018 बाघ गणना ने कैमरा ट्रैपिंग के जरिए दुनिया के सबसे बड़ा वन्य जीव सर्वेक्षण का कीर्तिमान बनाने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह बनाई है। अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2018 के चौथे चक्र में देश में 2,967 बाघों या विश्व के कुल बाघों की 75% संख्या का अनुमान लगाया गया है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि पिछले 4 सालों में बाघों की संख्या दोगुनी हो गई है। इसके लिए किए गए सर्वे को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह मिल गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में खेल मंत्रालय द्वारा किस ऐप का लॉन्च किया गया? नाडा ऐप, सर्किट ट्रेनिंग असिस्टेंट प्रो, रन कीपर, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है नाडा ऐप। ये लोगो देख सकते हैं, नाडा ऐप का है। ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा लॉन्च की गई है, जहां के मिनिस्टर है किरेन रिजिजू। इसके हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, जो 27 मई 2000 को फॉर्म किया गया था। आइए इसके बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं। ये क्या ऐप क्यों बनाया गया? यह ऐप खिलाड़ियों की प्रतिबंधित दवाओं और उनके इस्तेमाल से बचने की जानकारी देगा। इस ऐप से उन्हें खेलों के विभिन्न पहलुओं, खासकर प्रतिबंधित दवाओं के बारे में विस्तृत से जानकारी मिल सकेगी। इस ऐप में नाडा द्वारा निषिद्ध पदार्थों और दवाओं के बारे में पूर्ण जानकारी है, जिसमें एथलीटों को चोटिल होने पर सही दवाओं का सेवन करने में मदद मिलेगी। कई बार ऐसा होता है कि खिलाड़ी जानते नहीं है कि कोई साधारण बीमारी के लिए ली गई दवा भी बैन किए गए ड्रग्स के अंदर आता है, और इस तरह वे डोपिंग के दोषी पाए जाते हैं। इस ऐप के सारे जानकारी दी जाएगी और अंतरराष्ट्रीय खेल में डोपिंग को लेकर बदलते हुए नियम सारे नियम भी अपडेट किए जाएंगे। इस ऐप के माध्यम से खिलाड़ी अपने आप ही उन पदार्थों को पता लगा सकते हैं जिनका सेवन प्रतिबंधित, और इसके लिए उन्हें किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक नेट जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य रखा है? हमारे ऑप्शन है 2035, 2050, 2030, 2024। तो इसका सही आंसर है 2030। आइए इसके बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं। भारतीय रेलवे का लक्ष्य है कि सोलर एनर्जी के माध्यम से रेलवे एक पूरी तरह ग्रीन मोड ट्रांसपोर्टेशन बनाएगा। भारतीय रेलवे ने अपने दशकों से खाली पड़ी जमीनों को सोलर पावर पर लगाने का फैसला किया है। रेलवे के इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के माध्यम से ट्रेनों को सोलर पावर चलाने की योजना पर काम कर रहा है। इसके लिए कई पायलट प्रोजेक्ट पर भी काम किया जा रहा है, जिनमें एक का नाम है बिना सोलर पावर प्लांट। बिना सोलर पावर प्लांट से सालाना लगभग 25 लाख यूनिट बिजली बनेगी। इससे रेलवे की सालाना 1.37 करोड़ रुपए की बचत होगी। रेलवे और भेल के बीच बिना का ये प्रोजेक्ट 9 अक्टूबर 2019 को अनुबंधित हुआ था। बिना सोलर पावर प्लांट यह मध्य प्रदेश के बिना शहर में है, बिना रेलवे स्टेशन पे है, जहां पर यह पावर प्लांट लगाया गया है। रेलवे ने 2030 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन मास ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क बनाने का लक्ष्य रखा है, जिसके चलते रेलवे अब इस प्रोजेक्ट को शुरू करने जा रहा है। भारत हेवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर किया गया यह दुनिया का पहला ऐसा प्रोजेक्ट है, जिसमें औपचारिक रूप से रेल को सोलर एनर्जी से चलाया जाएगा। इस टेक्नोलॉजी के तहत डायरेक्ट करंट को अल्टरनेट करंट में बदला जाता है और सीधे ओवरहेड ट्रैक्शन सिस्टम से जोड़ दिया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुकेश अंबानी किस व्यक्ति को पछाड़कर दुनिया के 7वें सबसे अमीर व्यक्ति बने? हमारे ऑप्शन है वॉरेन बफेट, बिल गेट्स, जेफ बेजोस, लैरी एलिसन। इसका सही आंसर है वॉरेन बफेट। ये रही उनकी फोटो। आइए जानते हैं वॉरेन बफेट कौन है। इनका पूरा नाम
वॉरेन एडवर्ड बफेट हैं, जो एक अमेरिकी निवेशक हैं और बिजनेस टाइकून हैं, जो बर्कशायर हैथवे के अध्यक्ष और सीईओ हैं। बफेट को दुनिया के सबसे सफल निवेशकों में से एक माना जाता है। उनके पास दिसंबर 2019 में कुल 88.9 बिलियन डॉलर का शुद्ध मूल्य था, जिसने उन्हें दुनिया का चौथा सबसे अमीर व्यक्ति बना दिया था। आइए इसके बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं। नेटवर्क के मामले में दिग्गज निवेशक टाइकून वॉरेन बफेट को पछाड़कर रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने दुनिया के सातवें सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। वर्तमान में इस भारतीय अरबपति के कुल संपत्ति 69.9 बिलियन डॉलर है, जबकि वॉरेन बफेट की कुल संपत्ति 69.1 बिलियन डॉलर है। अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस 189.2 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में शीर्ष पर बने हुए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने मास्क नहीं पहनने वाले को रोको टोको अभियान के शुरू करने का फैसला किया है? हमारे ऑप्शन है बिहार, केरला, मध्य प्रदेश, पंजाब। इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने मास्क नहीं पहनने वालों को रोको टोको अभियान चलाने का फैसला किया है। अभियान के तहत वॉलंटियर्स उन लोगों को मास्क देंगे जो सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनते और उनके प्रति मास्क 20 रुपए वसूलेंगे। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए गूगल द्वारा कितने यूएसडी डॉलर का निवेश किया जा रहा है? हमारे ऑप्शन है 15 बिलियन, 10 बिलियन, 7 बिलियन, 5 बिलियन। हमारा आंसर है 10 बिलियन डॉलर। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने 13 जुलाई को निवेश करने की घोषणा की है। इंडिया गूगल फॉर इंडिया डिजिटाइजेशन फंड के माध्यम से अगले 5 से 7 वर्षों में भारत में 75,000 करोड़ की निवेश की जाएगी। उन्होंने कहा कि निवेश इकोसिस्टम निवेश में भागीदारी, इक्विटी निवेश और परिचालन बुनियादी ढांचों के मिश्रण के माध्यम से किया जाएगा। ये रही उनकी फोटो, आप देख सकते हैं। अब बारी है वन लाइनर करंट अफेयर्स में। इसमें हम सिर्फ एक लाइन के क्वेश्चंस और आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय रेलवे ने पहली बार किस राज्य के गुंटूर से बांग्लादेश को सूखी मिर्च का परिवहन किया? इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी AIIB ने देश में अक्षय ऊर्जा परियोजना हेतु L&T इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड के कितने मिलियन डॉलर की ऋण स्वीकृति की है? इसका सही आंसर है 50 मिलियन डॉलर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 12 लाख करोड़ रुपए मार्केट कैप पार करने वाली बनी देश की पहली कंपनी कौन है? इसका सही आंसर है रिलायंस इंडस्ट्री RIL। चौथे क्वेश्चन हमारा क्या है, हाल ही में जिस कंपनी ने जियो प्लेटफॉर्म में 0.15% हिस्सेदारी के लिए 730 करोड़ रुपए का निवेश किया है, वह कौन है? इसका सही आंसर है क्वालकॉम वेंचर्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 2025 तक कौन सा देश हर साल बना सकता है 6 से 8 परमाणु रिएक्टर? इसका सही आंसर है चाइना। छठा क्वेश्चन है, किस देश ने विदेश यात्रा करने वाले नागरिकों के लिए COVID-19 नेगेटिव सर्टिफिकेट अनिवार्य कर दिया है? इसका सही आंसर है बांग्लादेश। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिंगापुर की आम चुनाव 2020 में किस पार्टी ने सत्ता बरकरार रखी है? तो इसका सही आंसर है पीपुल एक्शन पार्टी। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ आज की। अभिनेत्री केली प्रेस्टन का हाल ही में 57 वर्ष की उम्र में ब्रेस्ट कैंसर के कारण निधन हो गया, उनकी शादी किस हॉलीवुड स्टार से हुई थी? इसका सही आंसर है जॉन ट्रेवोल्टा। बढ़ते हैं अब लास्ट डे के आंसर के बारे में। मैंने पूछा था लास्ट वीडियो में कि व्हेन वाज द फर्स्ट ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप हेल्ड। इसका सही आंसर है इन 1975, 1975 में फर्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप किया गया था, जहां इंग्लैंड से हुआ था। यह 60 ओवर की मैच हुआ करती थी। और आज का क्वेश्चन है जिसका आपको आंसर देना है, व्हाट इज द नेम ऑफ रशियन यूनिवर्सिटी दैट हैव क्लेम कंप्लीट ह्यूमन ट्रायल ऑफ COVID-19 वैक्सीन? हिंदी में, किस रशियन यूनिवर्सिटी ने क्लेम किया है कि उसने मानव ट्रायल कंप्लीट कर लिया है COVID-19 के वैक्सीन के लिए? आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, मैं इसको कल आंसर दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू, गुड बाय।